जय येसु। दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। पूरे बाइबल में हम बहुत कम ही संत जोसेफ के बारे में सुनते हैं। आज के सुसमाचार अंश मत्ती अध्याय 1:18-24 में हमें उसके बारे में बताया गया है, और यही एक स्थान है जहां संत जोसेफ के बारे में कही गई है। हालांकि बाइबल के इस छोटे से अंश में उसके बारे में बताया गया है, लेकिन इस छोटे से अंश में ही हमें संत जोसेफ की कई खूबियों के बारे में पता चलता है। इस अंश के द्वारा हमें उसकी महानता के बारे में पता चलता है। आज के सुसमाचार अंश के द्वारा संत जोसेफ हमें कई बातें सिखा जाते हैं। संत जोसेफ सच्ची धार्मिकता और विश्वसनीयता का मजबूत नमूना हमारे सामने पेश करते हैं। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जिसकी मंगनी हुई है और शादी की तैयारी चल रही है, और ऐसे समय में उसे पता चलता है कि उसकी होने वाली पत्नी गर्भवती है, ऐसे समय में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अपनी मंगेतर के बारे में वह क्या सोचेगा? उसकी चरित्र की क्या कल्पना करेगा? इन सवालों पर आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं। आज की स्थिति में वह व्यक्ति या वह लड़का क्या करता, इसके बारे में कई सारी बातें हम सोच सकते हैं। हम यह भी सोच सकते हैं कि जोसेफ की स्थिति क्या रही होगी जब उसने सुना कि मरियम गर्भवती है। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी हम देखते हैं कि जोसेफ ने बड़े धैर्य से काम लिया। वह चाहता तो उसी समय मरियम को लोगों के हवाले कर सकता था, और उस समय की क्रूर प्रथा के अनुसार लोग मरियम को पत्थरों से मार डालते। लेकिन हम देखते हैं जोसेफ ने प्रतिशोध के बदले धार्मिकता और दोषारोपण के बदले करुणा को चुना। सुसमाचार हमें बताता है क्योंकि वह धर्मी व्यक्ति था, इसलिए वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। कितना बड़ा दिल है जोसेफ का। वह मरियम को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाना चाहता है। और जब स्वर्गदूत उसके सपने में आकर मरियम के गर्भधारण के बारे में बताता है, तो वह सारी बात समझ जाता है और ईश्वर की योजना में अपना योगदान देने के लिए तैयार हो जाता है। वह मरियम को अपनाता है। जोसेफ बड़ी विनम्रता के साथ ईश्वर की योजना को स्वीकार करता है। आज जब हम संत जोसेफ की धार्मिकता पर मनन चिंतन करते हैं, तो हमें हमारे जीवन में ईमानदारी, करुणा और आज्ञाकारिता के मूल्यों को समझना है। ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। संत जोसेफ हमें यह भी सिखाते हैं कि रीति रिवाज और नियमों के पालन मात्र से हम धर्मी या पवित्र नहीं बनते हैं। अगर वह नियमों का पालन करता तो जोसेफ मरियम को लोगों के हवाले कर देता और वे उसे सजा देते। धार्मिकता रिवाजों और नियमों के पालन से बढ़कर है। सच्ची धार्मिकता हमारे व्यवहार, दूसरों के प्रति हमारी भावना और हर परिस्थिति में ईश्वर की आवाज को सुनने और उसके अनुसार चलने में है। चुनौतियों और विषम परिस्थितियों में भी ईमानदारी और करुणा के साथ कार्य करने में ही सच्ची धार्मिकता है। आइए हम संत जोसेफ से प्रेरणा लें और अपने जीवन में ईमानदारी, करुणा और आज्ञाकारिता के अनुयायी बने। विशेषकर हम उन पति पत्नियों या होने वाले जोड़ों के लिए प्रार्थना करें जो कई चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरते हैं। संत जोसेफ उनके लिए प्रार्थना करें ताकि हर समय में वे धीरज और समझदारी से काम ले सकें। आमीन।